हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सानवी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6:30 बज रहा होगा। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। सानवी ने गाजर घिस कर रख दिया था और मटर वटर का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच घी लेकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हम, और फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसमें 1 गिलास के करीबन दूध ऐड करेंगे। इसको उबाल आ जाने पर ना, तो यहाँ पर पहले मैं दूध को ऐड कर दे रही हूँ, 1 गिलास के करीबन है। और यहाँ पर देखिए दूध डाल दिया था मैंने। बढ़िया से इसको इसी में मतलब पका लेना है, दूध पूरा सूख जाएगा। और हमारे क्या है, गाजर का हलवा सबको पसंद आता है, बच्चों को भी, इसके पापा को भी, हमको भी, तो मतलब सारे लोग को अच्छा लगता है। आप लोग को किस किस को गाजर का हलवा पसंद है कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मैं मटर और आलू बैठा दिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं उबालने के लिए। इसको बैठा रहे हैं, उबल जाएगा तो इसका सब्जी बनाएंगे हम, रेडी करेंगे इसका सब्ज़ी। और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज, अदरक लहसुन ये सब ले लिया है मसाला बनाने के लिए उसका। और यहाँ पर देखिए सब मतलब दूध यहाँ का पूरा सूख चुका है इसमें। और ये इलायची है और किशमिश, ये पिस्ता बादाम है, इसको काट कर रख लिया है मैंने, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 पिंच हम इसमें ना फूड कलर ऐड किया है मैंने, तो इसी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे इसमें, और वो जो निकाल कर रखा था किशमिश बादाम, उसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे। तो बढ़िया से फ्राई कर लेंगे इसको, बढ़िया से इसी में चारों तरफ से भून भान कर फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। बच्चे लोग तो अभी ट्यूशन गए हैं, लोग पढ़ने आएंगे लोग, तो लोग को टेस्ट कराएंगे। अभी तो बनाकर हम टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी लग रहा है। यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है मैंने, और यहाँ पर उबल चुका है आलू और मटर, और ये मसाला निकाला है मैंने, हरी मिर्च, अदरक, ये टमाटर, और यहाँ पर प्याज में देखिए कलर लग गया, जो चाकू से कलर डाला था ना मैंने, और एक हरी मिर्च लिया है मैं, काट ली हूँ। इसको पहले पीस लेते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई बैठा दिया है मैंने, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 5 फ़ोरन इसमें ऐड करेंगे। और 5 फ़ोरन चटक जाएगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज बढ़िया से लाल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके में हम जो मसाला पीस कर रखे थे उसको इसी में हम ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पर हमारा प्याज लाल हो गया है, इसमें हम जो मसाले पीस कर रखे थे उसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें पाउडर वाला सारा मसाला ले लिया है, नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर सब ऐड कर देंगे इसमें। और मसाला में ही मैंने टमाटर पीस लिया था, इसलिए टमाटर ऊपर नहीं डालेंगे हम, इसको भी बढ़िया से भून लेंगे। मसाला भुना गया है बढ़िया से, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम जो आलू उबाल कर रखे हैं आलू इसमें ऐड कर देंगे, और मटर भी इसी में ऐड कर देंगे अभी। इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, फिर इसके में हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे। हो गया, भुना गया है, इसमें और पानी हम थोड़ा ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे, और ये सब्जी हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। टेस्ट में बहुत मतलब बहुत टेस्टी लगा, थोड़ा सा टेस्ट किया तो। और यहाँ पर देखिए चावल भी बन गया है, चावल बनाया है, और ये सब्जी यहाँ पर खाली कर लिया है मैंने, और बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा चोखा बना दिए हैं, तीखा तो खाएंगे लग नहीं।
हलवा खाएंगे लोग। अभी तो ट्यूशन गए हैं लोग, फिलहाल में दोनों तीनों लोग गए हैं। और ये देखिए हमारा खाना यहाँ पर निकल कर रेडी है, चावल और मटर का सब्जी। आप लोग को जिस जिस को खाना है आ जाइए हम लोग के घर पर। इस वीडियो का अब हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।